गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आजाद। आप देख रहे हैं पर्ल ग्रुप पोल्ट्री चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा चिक्स है। आज फोर्थ डे हो गया है, तो इसका 3 दिन हम लोगों ने शाम में एंटीबायोटिक चलाया था, लिवोफ्लॉक्सेसिन, और सुबह में VMA, और अब प्लेन वाटर चल रहा है। 2 रोज प्लेन वाटर चलेगा, और उसके बाद फिर 6 डे में वैक्सीनेशन करेंगे हम लोग, और स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना है। आज बढ़ा नहीं पाया, सिर्फ थोड़ा सा ब्रूडिंग को ही हम लोगों ने लंबा कर दिया है, और हीट ज्यादा हो रहा था तो लाइट एक साइड का हमने बंद कर दिया है, और एक साइड का लाइट ठीक है। और जैसे ही लेट होगा, क्योंकि अभी शाम हो रहा, जैसे ही लेट होगा थोड़ा सा, उसके बाद दोनों साइड का हम लोगों ने लाइट जला देंगे, और फीड इनटेक भी ठीक ठाक कर रहा, ये आप देख सकते हैं। सारे फीडर पे चिक्स लगे हुए हैं, और ग्रोथ भी ठीक ही दिख रहा, ये आप देख सकते हैं। ये सुगना का हॉवर्ड्स है। स्टार्टिंग में तो चिक्स देख के लग रहा था कि 40 ग्राम का नहीं है, 40 ग्राम से कम ही था, 36 ग्राम के आसपास चिक्स का होगा, लेकिन ग्रोथ ठीक जा रहा, मेंटेन हो जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मोर्टिलिटी भी इस बार बहुत कम है, तो उम्मीद है ये लॉट इस बार ठीक जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि इस लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आज मैंने इसके बाद जो 2 फॉर्म है, उस दोनों फॉर्म में मैंने पाइपलाइन क्लीन किया है। क्लीन करने के लिए मतलब जो कंपनी का एसिड आता है वो मैंने डाला हुआ है, तो रात भर पाइप में वो एसिड रहेगा, और मॉर्निंग में हम लोग पाइपलाइन को फ्लश कर देंगे। तो जनरली हम आज पाइपलाइन का वीडियो नहीं बना पाया, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को पाइपलाइन कैसे क्लीन करता हूं वो भी दिखा देता, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होने की वजह से स्टाफ की कमी थी, तो नहीं दिखा पाया, वीडियो नहीं बना पाया मैं। नॉर्मली मैं समझा देता हूं, जब मैं इस फॉर्म का लाइन क्लीन करूंगा तब मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। वर्वली मैं बता देता हूं आपको कि मैंने कैसे किया था। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये 2 लाइन आया है, एक टैंक का है और एक मोटर का है लाइन। जब मैं टैंक से पानी लेता हूं, बाहर में 1000 लीटर का 3 टैंक पड़ा हुआ है, उससे पानी आता है इस लाइन के थ्रू, और ये लाइन जो है मैंने मोटर से डायरेक्ट किया हुआ है। जब मैं समरसेबल चलाता हूं तो डायरेक्ट ये लाइन से आता है, तो ये लाइन जनरली बंद रखता हूं मैं, इससे ही काम करता हूं, क्योंकि चिक्स जब बड़े हो जाते हैं तो डायरेक्ट मैं जल शोधन और एसिडिक फायर जो है वो मेन टंकी में डाल देता हूं, और यहीं से सप्लाई आ जाता है। ये आने के बाद यहां से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक लाइन में, और उसके बाद यहां से एक फिल्टर है, और फिल्टर के बाद से ये लाइन यहां आ गया है, जैसा कि देख सकते हैं। और इससे भी मैंने टंकी में 300 लीटर का टैंक है, ये अंदर में मेडिसिन के लिए रखा है छोटे चिक्स के लिए, तो वो इससे कनेक्ट कर दिया हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लाइन आया वहां से टंकी का, और ये इस टैंक का, तो इसको लॉक कर देता हूं तो डायरेक्ट मेरा वहां से टैंक से पानी आ जाता है, और अगर इसको लॉक कर दिया तो ये पानी इस टैंक से पानी मैं शुरू कर देता हूं। तो अभी और मेरा एयर पाइप जो है वो नॉब के इस साइड है, नहीं वरना सबसे बेस्ट होता कि एयर पाइप से आप केमिकल डाल देते और वो लाइन वॉश हो जाता, लेकिन वहां से नहीं होने की वजह से मैंने इसी लाइन में
एक मैंने ये लाइन लगा के रखा हुआ है जो नॉर्मल पानी पाइप से वो लास्ट में देने के लिए, तो इसी के थ्रू इसको मैं मूव करके ऊपर कर लेता हूँ। और गन मेरे पास प्रेशर गन है, प्रेशर गन से इसमें केमिकल डाल के और रात भर छोड़ देता हूँ, जाके इससे निपल मेरा पूरा साफ हो जाए। मैं उस फार्म में आपको जाके दिखा रहा हूँ कैसे मैंने डाला हुआ है। ये दो फॉर्म है, इसमें भी मैंने किया हुआ है, इसमें भी किया। मैं आपको इसमें ही दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जैसे ये नॉब है, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये वॉल्व खोला और इसमें प्रेशर से वहां का मैंने दोनों वॉल्व बंद कर दिया, ये वॉल्व भी ये वॉल्व भी, और ये इससे प्रेशर से मैंने पानी डाल दिया और पानी सारा पाइपलाइन में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, प्रेशर में दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें सब में पानी आ रहा है। तो जो भी रस्टिंग वगैरह जो होता है, ये आप देख रहे होंगे एकदम फ्रेश हो गया। ये देखिए, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा फ्री हो गया। एक्चुअली जब नॉर्मल पानी चलता है ना, तो इसमें वाइट रस्ट आ जाता है, कैल्शियम मेरे ख्याल से वो कैल्शियम जम जाता है ज्यादा दिन पानी। एक्चुअली एक महीना फार्म खाली था, जिसकी वजह से इसमें वाइट कैल्शियम जम गया था, तो वो इससे कैल्शियम पूरा फ्री हो जाता और ये निप्पल जो है एकदम पूरा फ्री हो जाता है। तो बर्ड्स आप देखेंगे, खाली मैं टच करूंगा और इसमें पानी आ जाएगा, ये देखिए नॉर्मली अगर चोंच मारेंगे। और यहां से मैं प्रेशर कंट्रोल कर सकता हूँ, ये अभी फ्लशिंग मोड में है, ये इस तरह से रहेगा तो फ्लशिंग मोड में है, और अगर इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये ड्रिप मोड में चला गया। ड्रिप मोड में जाने के बाद पानी इसमें आएगा, और प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इससे मैं प्रेशर कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ये एयर पाइप है ये वाला, तो इसमें बॉल होता है, वो बॉल आपको ऊपर नीचे होगा तो पता चलेगा। तो नॉर्मली यही है साफ करने का तरीका। और एंड में मैंने एंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लाइन को मैं फ्लश, अभी इसमें आपका एसिडिक वाटर है, तो एसिडिक वाटर को तो पाइप से निकालना होगा मुझे, तो पाइप से निकालने के लिए लास्ट में ड्रेन होता है, लास्ट सेक्शन में, ये देखिए ये लास्ट पाइप का हो गया लाइन। ये लाइन आने के बाद ये एक पाइप लाइन है, और ये पाइप लाइन को मैंने ये देखिए बाहर डाला हुआ है, और इसमें मैंने एक नल लगाया हुआ। अगर इस नल को मैं खोलूंगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पानी आ गया, इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि फुल प्रेशर में रहे। तो यही है पंडा। नॉर्मली निप्पल ड्रिंकर मेरे हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता, और कभी कभी इरिटेशन होता क्योंकि थोड़ा सा मेंटेनेंस है साफ सफाई में। और जैसे ये आप देख रहे हैं, अभी मुझे ये सारे कप निकाल के और मुझे वाश करना होगा, तब वाश करके फिर से मैं पाइपलाइन को पूरा पोछवा लूंगा और पोछ करके फिर से इसको लगाऊंगा कप को। और ये जैसे देखते हैं ये 10-10 फीट पे मैंने मारा हुआ, ये इजी कप है, जैसे ऑटो ड्रिंकर आप लोगों ने देखा होगा, सेम उसी पैटर्न पे ये वर्क करता है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें पानी है, ये इस पानी को मैं पहले फेंक देता हूँ, अभी आप देख लीजिए एकदम ड्राई है, ये देखिए, अब ये जैसे ही खाली होगा ये अब जाएगा, इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी फ्लशिंग मोड में है इसलिए पानी नहीं आएगा, बहुत स्लो आएगा, लेकिन फिर भी आएगा। आप देखिए पानी धीरे धीरे आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। इसमें सिस्टम बस यही है कि पानी का लोड होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और पानी जैसे ही खत्म होगा इसमें ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से ये जैसे ये है इसमें टच करेगा तो वो पानी आना शुरू हो जाएगा, वो नॉर्मल फंडा है। तो ये मैंने हर 10-10 फीट पे ये डाला हुआ है, ये देखिए यहाँ है, यहाँ है, आगे है।
तो समर का जब सीजन आता है तो ये इजी कप का कैपेसिटी मैं और बढ़ा देता हूँ, तो बर्ड्स को पानी का प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, इसमें मेंटेनेंस है थोड़ा, लेकिन मेंटेनेंस मेरे ख्याल से उसमें भी है, उसमें भी आपको आपको रोज सफाई करना होता है। इसमें सिर्फ ये कपड़ा डाल के हम लोग इसको ऐसे सफाई कर देते हैं और बस हो गया। इसको कप को पोछना होता है, एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेके ऐसे पोछ दिया, तो बस यही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसा लगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप लोगों को इस बार फुल बताता जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इस बार मैं फुल लॉट का वीडियो आप लोगों को बना के डालूं, जिससे मुझे भी फायदा होगा, ये YouTube पे सेव रहेगा, तो मैं भी देख के अगर कुछ माइंड से स्लिप कर गया तो मैं यहाँ से देख के फिर से रिकॉल करके वो प्रोसेस पूरा कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, टिल देन बाय।